बुधवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा के सदस्यों ने बरसारतपुर स्थित बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से स्थापित डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा निकेतन जूनियर हाई स्कूल को जीडीए द्वारा ध्वस्तीकरण के विरोध में धरना दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा राम आश्रय बौद्ध ने कहा, बसारतपुर में 1978-79 से स्थापित बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर द बुद्धिस्ट सोसाइटी शिक्षा निकेतन स्कूल जो है बनाया गया था। जीडीए के 31 तारीख को पूरा तीन तरफ से चार दीवारी और चार जो है पूरे मकान 8 शौचालय सबको गिरा करके ध्वस्त कर दिया और कोई सूचना जो है न विद्यालय को दिया और न किसी पदाधिकारियों को दिया और मनमाने तौर पर जिसमें वो विद्यालय है उस ज़मीन का नंबर और नाम नहीं पता है। यहाँ तक जो पदाधिकारी हैं जो जीडीए के अधिकारी उनको नहीं पता, असली ये भी नहीं पता है कि इस विद्यालय का कौन प्रबंधक है। यथाकथित किसी प्रबंधक ने कुछ सूचना दे दिया, उसी के आधार पर जो जिस नंबर में विद्यालय है वो अपना पड़ा रहने के बजाय उन्होंने कह दिया कि 588 में पूरा बना है और उसको जो है बुलडोजर चढ़ा करके जीसीबी चढ़ा करके एकदम ध्वस्त कर दिया। उसकी मांग के लिए हम लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए हुए हैं। यहाँ के जीडीए के जो प्रशासक हैं, जो जीडीए के ये आपके मंडलायुक्त हैं, जो इसके प्रधान मालिक हैं, उनसे हम लोग मांग कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके जिन अधिकारियों ने बिना सोचे समझे उस स्कूल को ध्वस्त किया उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई हो सके ताकि आने वाले दिनों में किसी प्रकार कोई इस प्रकार की पुनरावृत्ति न कर सके। आज प्रतीक स्वरूप धरना दे रहे हैं कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो सके। हमारा नाम राम आश्रय बौद्ध है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के, मैं कमिश्नर वकालत करता हूँ।